अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे आए हो? क्या आप सब ठीक ठाक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के वीडियो स्पेशली मेरी प्यारी सी सिस्टर्स के लिए, मेरी फ्रेंड्स के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए है जो कि हिजाब करना चाहती हैं या हिजाब करती हैं, और उनके लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल भी होने वाली है, और जो कि नहीं करती उनके लिए भी ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। और बेसिकली इसमें मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ कि मेरी हिजाब जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। इसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस जो हिजाब वीडियो की जर्नी है ना, इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी इंक्लूड करना चाहूँगी जो कि मुझे मेरे हिजाब से रिलेटेड मिले हैं, मतलब कमेंट्स की सूरत में भी रिसीव हुए हैं। और वैसे भी मैं जब भी इंस्टाग्राम पर कोई क्वेश्चन आंसर का पोल लगाती थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हिजाब के रिलेटेड क्वेश्चन रिसीव होते थे, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में ना उनको भी इंक्लूड कर लूँ और उनका भी आंसर दे दूँ, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ ना अच्छे तरीके से ना क्लियर हो जाए। ओके जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ आई स्टार्ट। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? मैंने स्टार्ट यूट्यूब से बिल्कुल भी नहीं किया था। यूट्यूब पर पहले नूर थी और उसके साथ फिर मैंने बाद में ज्वाइन किया था यूट्यूब, तो यूट्यूब से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था। इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने न्यू अकाउंट बनाया और उस पर मैंने एक दो रील अपलोड की जिस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, लेकिन वो वीडियो थी वो जो हिजाब लेकर नहीं थी, वो जैसे नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं वैसे नॉर्मल वीडियो थी वो, और उस पर कुछ इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत भी नहीं की थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। और फिर मैंने ये चीज़ फील की कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ अधूरा अधूरा सा है, मतलब कि ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उस चीज़ में मुझे सुकून भी नहीं मिल रहा था। आप कहते हैं ना कि आपको खुद भी फील होता है कि आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, आप सेटिस्फाई हैं उससे, कि आपको उससे सुकून मिलता है, तो मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं इसको ऐसे अपलोड करूं। तो फिर मैंने जो भी दो तीन रील्स की थी उनको मैंने डिलीट कर दिया। वैसे मैंने दो तीन दिन बाद किया था, मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया इस चीज़ को, तो मैंने फील किया, फिर उसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा अकाउंट बना रहा, उस पर मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करती थी। उसके बाद फिर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। फिर उसके बाद जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन की और नूर के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इंस्टाग्राम दोबारा से ज्वाइन करना चाहिए। फिर जब मैंने दोबारा से ज्वाइन किया तो मैंने हिजाब लेकर, डेफिनेटली मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी तो मैं हिजाब लेकर ही वीडियो बनाती थी। मुझे ऐसे लगता था कि हिजाब के बगैर मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाऊँगी और नहीं बनानी भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यूट्यूब पर तो जब भी इसको मतलब चैलेंज वगैरह करती थी या कोई भी वीडियो बनाती थी तो मैं हिजाब लेकर ही बनाती थी। उसके बाद जब मैंने इंस्टाग्राम दोबारा से ज्वाइन किया और उसको पब्लिक किया, तो मैंने सोचा कि मैं जो भी रील वगैरह अपलोड करूँगी, जो भी पोस्ट वगैरह करूँगी, उसको मैं प्राइवेट नहीं रखूँगी, उसको मैं पब्लिक ही करूँगी और हिजाब लेकर ही बनाऊँगी। जब मैंने ये चीज़ फील की और जब मैंने इसको अपलोड किया, मतलब कि ना इतनी मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ इस चीज़ से कि मुझे ये काम मैं जो कर रही हूँ ये ठीक है, और हिजाब मैंने लिया हुआ है तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सुकून आता था। और फिर मैंने हिजाब लेने की ऐसी आदत डाली है कि मैं कहती हूँ कि हिजाब के बगैर मैं अधूरी हूँ, मैं कुछ भी करूँ ना, अगर हिजाब ना लूँ ना तो बिल्कुल भी वो हर एक चीज़ ना मेरी इनकम्प्लीट लगती। मैं कहती हूँ कि मेरे हिजाब से ना मेरी ये चीज़ कम्प्लीट हो जाती है। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन जो मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ज़्यादा रिसीव हुआ है, वो ये है कि आपने किससे इंस्पायर्ड होकर हिजाब लेना स्टार्ट किया है। अच्छा, तो अगर मैं आपको हकीकत बात बताऊं तो मैंने किसी से भी इंस्पायर्ड होकर हिजाब लेना स्टार्ट नहीं किया है। मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है कि मैं हिजाब में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ निस्बत कि मैं अगर हिजाब ना वेयर करूँ तब, और जब मैं हिजाब वेयर करूँ तब, तो मैंने इस चीज़ को खुद रियलाइज़ किया, मैंने खुद फील किया है। जब मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट किया था उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाकर पहले रख चुकी थी जो कि मेरी हिजाब में थी, और मैंने उन वीडियोज़ को देखा और फील किया कि वाकई में मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करती हूँ और अच्छी भी लग रही हूँ। उसके बाद मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हिजाब लेना स्टार्ट कर दिया था। मैं कहीं पे भी जाती थी मैं हिजाब ही लेती थी, किसी से भी बात करती थी तो मैं ऐसे फील करती थी मतलब हर एक चीज़ मुझे मिल गया, मतलब मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ हिजाब से। अब मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मैं हिजाब ज़रूर लेती हूँ, घर में भी मैंने लिया होता है और बाहर कहीं पे भी जाऊँ तो ज़रूर लेती हूँ, इससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। और ये थी इंस्पिरेशन, खुद से लिया इंस्पिरेशन खुद, मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी किसी ने क्यों लिया, कैसे लिया, क्या उनकी जर्नी थी,
और मैंने किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं हुई हूँ, मैं खुद से इंस्पायर्ड हूँ। मैंने खुद ये फील किया है कि मैं अगर हिजाब लूँगी तो मैं ज़्यादा अच्छी लगूंगी, ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगी, तो इसलिए मैंने हिजाब लेना स्टार्ट किया है। ओके जी, तो थर्ड क्वेश्चन मुझे ये रिसीव हुआ था कि हाउ वी स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए आपको किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इवन मेरी भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप, अक्सर ऐसा होता है जब आपने हिजाब लेना होता है तो आप किसी भी ब्लॉगर की वीडियो देखती हैं जो कि ऑलरेडी हिजाब वेयर करती हैं, या कोई भी ऐसी वीडियोस देखती हैं जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, वो भी बात ठीक है। लेकिन वो चीज़, मैं कहती हूँ कि अगर वो चीज़ लेनी हो ना, तो वो चीज़ एक महदूद मुद्दत के लिए होती है, जो कि बाद में आप सोचती हैं कि नहीं, मैं अगर वैसे पहले थी जैसी वैसे ही रहूँ तो वैसे ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से इंस्पायर्ड होकर हिजाब लेना स्टार्ट करें। आप खुद को देखें कि आप किसमें कंफर्टेबल फील करती हैं। आप पहले आप अपने आप को एक मिरर में देखें और देखें कि आप कैसी लग रही हैं, कैसे आप अच्छा फील करती हैं, आपके ऊपर हिजाब कैसे सूट करता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी किसी की वीडियो ना देखें, आप सिर्फ अपने आप को देखें, आप किसमें कंफर्टेबल हैं, आप वही करें। ओके, तो जो मुझे फोर्थ क्वेश्चन रिसीव हुआ है वो ये है कि आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं फेस करने को मिली, कि मतलब आपको किसी ने बोला नहीं आप पहले हिजाब नहीं करती थी और आप हिजाब करती हैं। तो देखिए, मैं भी एक फैमिली रखती हूँ, मेरी भी एक फैमिली है और मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, आप कह लें कि हर एक चीज़, मतलब आना जाना हर एक चीज़ है। तो वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आपको लोग बोलते हैं, और फेस टू फेस भी मुझे लोग बोलते हैं कि आप पहले हिजाब नहीं करती थी और आप हिजाब करती हैं। तो देखिए, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि जो लोग आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं ये लोग वही हैं, और दूसरा ये आपकी तरफ नेगेटिविटी फैलाएंगे। आप लोगों ने बिल्कुल भी एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना है, इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं सोचना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनका काम है सोचना और आपका काम है करना। अगर आपके दिल को तसल्ली है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी किसी की, और आपने वही करना है जो आपका दिल कहता है। तो मैं भी आज तक वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है, मतलब मैं ये चीज़ नहीं सोचती हूँ कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं पहले हिजाब नहीं करती थी अब हिजाब करती हूँ तो लोग क्या सोचते हैं, बिल्कुल भी ये चीज़ मेरे माइंड में नहीं आती है। मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस चीज़ के लिए चुन लिया है, तो ये सबसे बेहतर फैसला है मेरे लिए, तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ। ओके जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि मुझे रिसीव हुआ है, और मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताना चाहती थी, तो मैंने इसको लास्ट नंबर पे रखा है। तो मुझे ये क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि आपकी जो हिजाब की जर्नी है वो पहले कैसी थी और बाद में उसमें क्या डिफरेंस आया था। तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो ड्रेसिंग थी, मेरा जो मेकअप था, मेरी हर एक चीज़ में सिर्फ मैंने एक हिजाब को ही ऐड किया है और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। जैसे पहले थी वैसे ही बाद में थी, तो मुझे कुछ भी इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई थी, कोई ऐसा मैं कोई तोपो वाला काम नहीं कर रही थी। तो ये थी, कोई भी डिफरेंस ऐसा नज़र नहीं आया था। पहले भी मेरी ड्रेसिंग ऐसे ही थी, पहले भी मेरा मेकअप ऐसे ही था, जैसे मैं पहले रहती थी वैसे ही अब रहती हूँ और वैसा ही मेरा लाइफस्टाइल है। मैं सिर्फ अपना हिजाब वेयर करना स्टार्ट किया है और सिर्फ मैं हिजाब ही लेती हूँ, इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया और ना ही मैं आगे कुछ ऐड करूँगी। ओके जी, तो आई होप कि आपने मेरी इस जर्नी से थोड़ी सी तो मोटिवेशन मिली होगी, या थोड़ी सी तो मोटिवेशन मिली होगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।